सत श्री अकाल जेके मीडिया फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जसलीन कौर। आपको बता दूँ इस वक्त हम पुंछ में मौजूद हैं और एक यहाँ पर गांव है और इस गांव को इस्लामाबाद भी कहा जाता है, आपको बता दूँ। और इस वक्त ठीक आप मेरे पीछे, आपको बताऊँ ये काफ़ी ऊंचाई में है और उसके बाद आप ठीक मेरे पीछे ये दरगाह देख सकते हो कि कितनी सुंदर दरगाह इतनी ऊंचाई में यहाँ पर मौजूद है और यहाँ इस एरिया को इस्लामाबाद भी कहा जाता है। हमारी पूरी जेके मीडिया की टीम अगर बात करें यहाँ पर, हम जिस तरह हम लगातार हमारी कोशिश है कि हर जगह दूर दूर तक पहुँच के जो है हम आप तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जहाँ तक आज तक मीडिया नहीं पहुँच पाई, तो आज हम उन हाइट्स पर जाकर आपको बता दें वहाँ पर एक इस्लामाबाद एक जगह है जो ऊपर पूंछ के ऊपर, और वहाँ पर पहुँचे और ठीक मेरे सामने आप इतनी सुंदर दरगाह जो है यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं बता दूँ ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन एरिया के बिल्कुल पास है और बिल्कुल इन पहाड़ियों के उस अगर ब्यूटी की भी बात की जाए तो आप ठीक सामने देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ आपको नजर आएंगे। और ठीक मेरे पीछे अगर मैं कैमरामैन को बोलूंगी कि हमारा कैमरा अगर पीछे पैन करके दिखाएं तो आपको यहाँ पर LOC की अगर बात करेंगे बिल्कुल ये बॉर्डर पास में है और यहाँ पर बिल्कुल वो फेंसिंग लाइट्स जो हैं आर्मी की तरफ से यहाँ पर लगाई गई हैं। तो आप देख सकते हो हमारी पूरी जेके मीडिया की टीम जो है यहाँ पर इस वक्त पहुँच चुकी है इस्लामाबाद, जो इस जगह का नाम जो है बताया जा रहा है। यहाँ के कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और आपको थोड़ी देर तक इस दरगाह से भी जो है लाइव विजुअल्स आपको दिखाएंगे। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के रहने वाले एक निवासी हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुमताज है। तो यहाँ पर कहाँ पर रहते हैं और कब से रह रहे हैं? हम काफ़ी मतलब एक्चुअली यहीं के बेस के रहने वाले हैं, कोई 3 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है, यहाँ पे शाहपुर उसके गाँव का नाम है। शाहपुर का। तो कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? हम रहते हैं शुरू से यहीं पे रहते हैं। शहीं से रहते हैं। बॉर्डर एरिया पीछे जो है। जी आओ। तो क्या करते हैं आप, पढ़ रहे हैं या? मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर किस तरह कॉलेज कहाँ पे आपका, कहाँ पे पढ़ते हैं? कोई 30 किलोमीटर पीछे है। तो रोज इतना ट्रैवल करते हैं आप 30 किलोमीटर? कॉलेज का क्या नाम है, क्या? कॉलेज का GDC पुंछ। अच्छा, वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। तो कोई मुश्किलात आती है? मुश्किलात एक ही है, फायरिंग वगैरह की, यहाँ पे गोले पड़ते हैं। हाँ। शेलिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत होती है हमें। और अगर यहाँ के रहने की बात करें तो किस तरह रहता है आपका? रहते हैं बस, रहना पड़ता है। जब शेलिंग के दौरान होती है फिर उस वक्त क्या करते हैं, बंकर है यहाँ पे, किस तरह तब रहते हैं? बंकर कुछ है लेकिन ज्यादातर लोग मकानों में रहते हैं। मकानों में रहते हैं। तो उस वक्त जब ज्यादा गोलाबारी, नुकसान होता है यहाँ पर? नुकसान बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, फसल का होता है, एग्रीकल्चर मतलब आदमी होते हैं उनको भी जख्मी होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो अभी मतलब लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पे फायरिंग हुई होगी? 10 दिन पहले हुई थी। 10 दिन पहले हुई थी। यहाँ पे इस तरह जो रोड है यहाँ पे भी शेलिंग गिरा हुआ है, यहाँ नीचे ज़ियारत के आगे वहाँ पे भी गिरा हुआ, और बाकी छोटी फायरिंग यहाँ पे चलती रहती है। तो कभी मतलब कोई इंसान नुकसान इस तरह का इंसान हुआ है? मतलब कोई 10 दिन पहले यहाँ पे एक आर्मी का जवान था, उसकी भी डेथ हुई है। अच्छा। तो बाकी सिविल भी होते रहते हैं। तो अगर इस दरगाह की बात करें, इसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बताएंगे? दरगाह बहुत अच्छी दरगाह है, मतलब यहाँ से कोई, यहाँ तो छोटी सी दरगाह है, बाकी सब सिस्टम यहाँ से नीचे है, यहाँ लंगर वगैरह सब सिस्टम नीचे है। यहाँ पे दरगाह ये सैन बाबा मीरान बख्श पाकिस्तान के रहने वाले हैं जी, उनका डेथ 1984 में हुआ है। तो और इस जगह को इस्लामाबाद भी आपने जिस तरह बताया कहते हैं, क्यों? गुंतरियाँ कहते हैं, गुंतरियाँ, गुंतरियाँ पुंछ, गुंतरियाँ। तो और यहाँ का क्या खासियत है, जिस तरह अगर ब्यूटी की बात करें चारों तरफ बहुत ही अच्छा यहाँ पर है, तो उसके बारे में? ब्यूटी यहाँ की बहुत अच्छी है, नेचुरली है, मतलब अच्छी ब्यूटी है, देखने के लिए लोग बहुत आते हैं। आते हैं यहाँ पर लोग? यहाँ पे बहुत आते हैं ट्रैवल कर, टूरिस्ट वगैरह सब आते हैं यहाँ पे। पीछे पहाड़ी है जो, वहाँ पे भी जाते हैं, और वो भी यहीं गाँव में पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे मैंने बताया गुंतरियाँ पुंछ का ये इलाका है जहाँ पे आप मेरे पीछे ये मस्जिद भी देखी, यहाँ पे हमारे साथ हमारे जेके मीडिया की टीम भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं उनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इतनी ऊंचाई के ऊपर इस जगह पर आकर, उनसे भी जानते हैं। हमारे साथ यहाँ हमारे सोशल मीडिया के सतनाम सर मौजूद है। सर आपका स्वागत है जेके मीडिया में। सर क्या कहना चाहोगे? जसलीन आपको बताना चाहूँगा, इतनी हाइट पर आके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग मतलब दुनिया के सबसे ऊँचे जगह पर खड़े हैं इस वक्त। ये ज़ियारत अब जब हम लोग नीचे से देख रहे थे काफ़ी ऊंचाई पे दिख रही थी, मगर जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पे लग रहा है ऐसे कि
नीचे हम लोग जैसे बचपन में होते थे ना, छोटे छोटे खिलौने खेलते थे और छोटे छोटे घर लगते थे, बस वही यहाँ पे दिख रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और यहाँ के लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, बड़ा अच्छे से उन्होंने हमें मिले हैं यहाँ पे। नीचे एक हमारे हमें मिले थे उन्होंने हमें, वो तो हमारे जेके मीडिया के बारे में जानते भी थे, उन्होंने काफी क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बात थी, मैं अपने जेके मीडिया के पूरे टीम को और सबको एक कांग्रेट भी करना चाहूंगी और स्पेशली हमारे रिपोर्टर आशीष कोहली को भी कहना चाहूंगी कि यहाँ पर भी उनकी मुझे फैन फॉलोइंग जो है देखने को मिली। यहाँ पर हमें एक कोई यहाँ के रेजिडेंट्स मिले और जब मैंने उनसे बात की कि गुलिस्तान का नाम लिया, वो तो वो जानते थे, जब हमने उनको कहा जेके मीडिया तो वो जेके मीडिया को भी जानते थे और उन्होंने आशीष कोहली का जो है नाम यहाँ पर लिया। तो यहाँ पर हमारे साथ एक बानी टीम के बेन सर भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। जसलीन, ऐसे मैं तो आपको पता है मैं एज ए एडिटर वर्क कर रहा हूँ, तो जो हमारे प्रोफेशनल हैं दीपक जी हमारे साथ हैं। अब मैं बताता हूँ कि खुशी ये हुई, हम इतना पीक पे आए हैं तो हमें एक भैया मिले, उनसे हमने रास्ता पूछा कि भैया हमें फलाने उस जगह जाना है, तो वो बोलते हैं आप कहाँ से, हमने कहा कि हम गुलिस्तान चैनल से है या इकबानी या जेके चैनल, तो उन्होंने एकदम बोला आशीष कोहली, तो बहुत अच्छा लगा हमें क्योंकि इतने दूर पहाड़ पे भी जेके मीडिया को लोग देख रहे हैं। आप हमने यहां पे मीडिया की रीच ही नहीं, हमने रास्ते में देखा कुछ लोगों को रेडियो यूज कर रहे हैं एफएम, तो रेडियो के जमाने में यहाँ पे लोग फेसबुक चैनल को लाइक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे चैनल के जो बड़े होनहार आशीष कोहली हैं उनका नाम लिया उन्होंने, मतलब इतनी ऊंचाई पे आके अगर कोई हमारा नाम लेता है और दूसरा इतना अच्छा फील होता है कि मतलब ऐसे लग रहा है कि अच्छा लग रहा है कि हम लोग कुछ अचीव किया हुआ है। बादलों में हम खड़े हैं, जैसे हम कहते हैं ना दुबई जाते हैं तो बुर्ज खलीफा, हम इतना टॉप पे जाके पे करके पैसा खर्च के हम जाते एक्सपीरियंस लेते हैं। पीछे हमारे पीछे इतनी अच्छी दरगाह उसके बारे में मैं बताता हूँ, ये तो बहुत एक इतना शायद हम आपको थ्रू कैमरा कोशिश करेंगे दिखाने की, पर जो हम एक्सपीरियंस हम लाइव ले रहे हैं अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये अपने आप को बहुत लक्की है हम कि आज जेके चैनल की जो एक प्रयास था उसकी वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग इस जगह से बहुत दूर बैठे हैं जिनको नहीं पता वो यहाँ पर, मुझे लगता है इस जगह पर आते होंगे। आपको बता दूं कि जिस तरह इतने ऊंची बात करी थी ऊंचाई में ये जो है दरगाह यहाँ पर मौजूद है और देखते ही ये दरगाह बनती इतने, और हमारा मकसद ही यही है उन जगहों तक पहुंचना जहाँ तक आज दिन तक कोई पहुंचा नहीं है। बीच में कुछ ऐसा होता जसलीन जी बोल रहे गाड़ी वापस मोड़ लो, कि ये भी इन्होंने इतनी हिम्मत छोड़ दी कि वो रोड इतना टाइट था कि अगर एक गाड़ी आ जाती उसे टाइम। आपको बता दूं रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो बीच में बड़ी ऐसी जगह थी जहां एक तरफ बिल्कुल खाई हमें दिख रही थी, पर फिर भी हम इस हाइट तक पहुंचे ताकि हम आप तक ये जो यहां की इंडियन आर्मी बिल्कुल बिल्कुल वो जो हमने दिखाई है इतनी हाइट्स पे, मैं कहूंगी हम एक बार उस तरफ कैमरा पैन करके आपको वो दिखाएं।